So students, here in this session we are going to discuss the topic competent host, and after this we will discuss vectorless methods of gene transfer, right? So beta assi hun tak ki discuss kita recombinant DNA technology ch assi discuss kita foreign DNA hunda hai sade kol vector hunda hai cut kita janda hai donna nu with the help of restriction endonuclease enzyme. सो यह साड़ी डिजायर्ड फ्रैगमेंट होगी जिन्हों असी जीन ऑफ इंट्रस्ट कहने या इनसर्ट कहने इनू वैक्टर दे विच असी इनसर्ट किया विद द हैल्प ऑफ एनजाइम लाइक गेजिज रीकॉम्बिनेंट डी एन ए बन गया इस तो नैक्सट की होंगे रीकॉम्बिनेंट डी एन ए किच एंटर करवाया जाता इनटू द होस्ट सूटेबल होस्ट ठीक है दैट कुड बी विद द हैल्प ऑफ वैक्टर और विदाउट द हैल्प ऑफ वैक्टर अलग मैथड भी ने वैक्टरलैस मैथड सो अज का साडा टॉपिक है होस्ट है ठीक है जी. सो बेटा कॉम्पीटेंट वर्ड कल ही यूज़ किया गया कॉम्पीटेंट वर्ड का मतलब है कि जिहड़ा आपां फॉरन डी एन ए आपां एंटर करवाना इनटू द होस्ट होस्ट उहनू पिक कर सके ठीक है जी होस्ट उहनू लै सके दैट इज़ कॉम्पीटेंसी राइट. सो ट्रांसफॉर्मेशन की होंदी है ये कोई भी सैल जदों नेकेड नंगा नेकेड डी एन ए फ्रैगमेंट नू एक्सेप्ट कर लवे टेकअप कर लवे टेक्सअप कर लवे दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन राइट. सो कॉम्पीटेंट होस्ट बहुत जरूरी है बेटा रीकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी. हुण असी ये सोचांगे असी हुण तक पढ़ चुके हैं कि वैक्टर केड़े केड़े सैलैक्ट कर सकते हैं हुण असी ये देखांगे होस्ट केड़े केड़े सैलैक्ट कर सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स एस्कैरिशिया कोलाई इज़ द बेस्ट होस्ट. इफ आई टॉक अबाउट यूकैरियोट्स यीस्ट एनिमल सैल प्लांट सैल ये तीनों जड़े सैल्स ने तीनों तरह के दे कैन एक्ट एज कॉम्पीटेंट होस्ट ठीक है जी. हुण बेटा की है सानू पता है सारियां नू कि असी जदों यू कैरियोट्स की गल करते हैं स्पेसीफिकली जदों असी यीस्ट की गल करते हैं असी देखते हैं कि यीस्ट जिहड़ी उह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है बिकॉज यीस्ट एक यू कैरियोट है तो असी अगर कोई यू कैरियोटिक जीन नू ही एक्सप्रैस कराना है तो असी यीस्ट दे विच ही पावांगे ना. मतलब अगर मेरा फॉरन जीन ऑफ इंट्रस्ट मैं यू कैरियोटिक सैल तो लिया तो फिर उन्होंने एक्सप्रैस कराने लिए मैं जो होस्ट लाऊंगी वह भी की होएगा यू कैरियोटिक. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है. असी इदा तो बैक्टीरिया का भी बैक्टीरिया तो भी कोई जीन लैके या कोई भी किसी होर ऑर्गेनिजम के यू कैरियोट भी आप इनसर्ट करा सकते बट यस यीस्ट नू मेनली यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सप्रैशन ऑफ यू कैरियोटिक जीन्स के लिए ठीक है बिकॉज यीस्ट सिंगल सैल्ड होंगी है जेनेटिकली वैल करैक्टराइज्ड है ईजी टू ग्रो एंड मैनिपुलेट है तो प्लांट एनिमल सैल नू भी एज अ होस्ट यूज़ किया जाता है. असी मेनली जो टिशू कल्चर टेक्निक्स पढ़िया उदो प्लांट एनिमल सैल नू असी यूज़ किया तो जो असी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम डेवलप करावे दैन ऑलसो वी कैन यूज़ प्लांट एंड एनिमल सैल राइट. हुण चलो बेटा असी यह तो देख लिया कि प्रो कैरियोट्स विच ते यू कैरियोट्स दे विच किन्नू किन्नू एज अ होस्ट लिया जाता है तो कॉम्पीटेंट होस्ट की है. बट बेटा हुण सानू सारयां नू पता है कि डी एन ए ने एंटर करना इनटू द होस्ट ध्यान अंडरस्टैंड करो जेडे सैल च तुसी एंट्री करवाण जा रहे हो एस्कर्शिया कोलाई दे विच या प्लांट सैल च या एनिमल सैल च या यीस्ट पहली गल इन्हां दे बाहर की है सैल वॉल हटानी पएगी फिर अंदर की है प्लैजमा मैमब्रेन चलो सैल वॉल असी तोड़ दित्ती हुण प्लैजमा मैमब्रेन जिहड़ी बेटा हुंदी है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक वाय असी प्लस वन दे विच प्लाज्मा मैम्ब्रेन दा जदों स्ट्रक्चर पढ़िया सी उहदी बट देखिया सी ना असी लिपिड बायलेयर एंड ऑल स्ट्रक्चर असी पढ़ के आए हुए ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे विच असी पढ़िया सी. सो वो हाइड्रोफोबिक है तुहाडा डी एन ए जिहड़ा तुसी एंटर कराना हाइड्रोफिलिक है हाइड्रो मीनस वॉटर एंड फिलिक मीनस लव हाइड्रो मीनस वॉटर फोबिक मीनस हेट एक चीज़ वॉटर लविंग है एक चीज़ वॉटर तो रजिस्ट करती है. सो यहोजियां दो चीज़ा जिहड़ियां ओपोजिट नेचर दियाँ असी किवें डी एन ए नू सैल मैंबरेन चो पास कर सकते हैं दैट मीन सानू सैल नू कॉम्पीटेंट बनाना पएगा सो दैट डी एन ए उहदे अंदर एंटर कर सके अदरवाइज आपे नहीं करेगा ठीक है. सो वी हैव टू मेक दैट होस्ट सैल कॉम्पीटेंट सो दैट वो डी एन ए नू रिसीव कर सके ठीक है जी. ओके हुण असी देखांगे असी किवें किसे सैल नू कॉम्पीटेंट बनाने हैं सो दैट इट कैन ईजीली टेक अप द फॉरन डी एन ए फ्रॉम द इनवायरमेंट राइट. देखो बेटा एक गल मैं इत्थे पहले ही क्लीयर कर दा जे तां वैक्टर यूज़ किया जा रहा है
ਜਿਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਨ ਏ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਓਮੇਫੇਸ਼ੀਅਨਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੀ ਆਈ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਓਮੇਫੇਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਕੋਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਆਈ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਵੈਕਟਰ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਡ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਓਮੇਫੇਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਡਾਇਕੋਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਆਈ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋਅ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਓਮੇਫੇਸ਼ੀਅਨ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਓਮੇਫੇਸ਼ੀਅਨਸ ਡਾਇਕੋਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਆਈ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਆਪਣਾ ਟੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟਿਊਮਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਡ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਐਗਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਓਮੇਫੇਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟੀ ਆਈ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਨੇ ਟੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੈਕਟਰ ਐਸੇ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੋਈ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਟੂ ਦਾ ਹੋਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਨ ਏ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਾਈਟ, ਸੋ 3-step ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਰਨ ਡੀ ਐਨ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਉ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਸਕਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਯੀਸਟ ਦੀ। ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੈਸਟ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ, ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਡੀ ਐਨ ਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਪਿਡ ਬਾਈਲੇਅਰ। ਲਿਪਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਿਪਿਡ ਫੈਟੀ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੇਟ ਹੀ ਕਰੂਗੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਫੈਟੀ ਓਇਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਓਇਲੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੇਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਪ ਦਾ ਡੀ ਐਨ ਏ। ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦਾ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੀਕੋਂਬੀਨੈਂਟ ਡੀ ਐਨ ਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਡੀ ਐਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰੇ, ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਐਨ ਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੋਸਟ ਡੀ ਐਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ 42°C ਮਤਲਬ ਹੋਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੋਟ ਕੋਲਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੋਸਟ ਡੀ ਐਨ ਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਸਟ ਡੀ ਐਨ ਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁਣ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਦਾ ਰੀਕੋਂਬੀਨੈਂਟ ਡੀ ਐਨ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਨ ਏ ਇਨਸਰਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਐਨ ਏ ਇਨਸਰਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਮਡ ਪੈਥੋਜਨ ਵੈਕਟਰ, ਡਿਸਆਰਮਡ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਫੋਰਨ ਡੀ ਐਨ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ
डीएनए ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसैस में ट्रांसफैक्शन कहते हैं। स्पैसीफिकली एनिमल सैल के केस या यूकैरियोटिक सैल के केस असी इस मैथड न ट्रांसफैक्शन कहते हैं। अच्छा बच्चे कुछ होर डायरैक्ट और वैक्टरलैस मैथड्स पढ़ लिए, एक तो असी यह कर लिया ना कि असी किवें ट्रीटमेंट दे के किया, कुछ होर डायरैक्ट और वैक्टरलैस मैथड्स रीड कर लो जिदे असी वैक्टर नहीं यूज़ करना, डायरैक्टली फॉरन जीन एंटर कराना है। जिहड़ा असी उत्ते पढ़ के आए बेटा वैक्टर भी यूज हो सकता है, वैक्टर तो बिना भी जीन इंटरस्ट ऐड किया जा सकता है, तो ये वाले सारे मैथड तो टोटली विदाउट द वैक्टर है। ठीक है, उस असं रिकॉम्बिनेंट डी एन ए एंटर कराते ना, ये सिर्फ सीधा फॉरन डी एन ए लिया उन्होंने होस्ट पाने। नंबर वन इज़ बेटा माइक्रो इंजैक्शन, सॉर्ट ऑफ इंजैक्शन, जो असं किसी चीज़ कोई चीज़ में इंजैक्ट करते हैं ना, सिमिलरली हेयर फॉरन डी एन ए डायरैक्टली इंजैक्ट किया जाता है इन टू द न्यूक्लीअस ऑफ एनिमल और प्लांट्स, एंड मेनली दिस मैथड इज़ यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ डी एन ए इन टू एनिमल और प्लांट सैल बाय यूजिंग माइक्रो पिपेट्स। तुसी केमिस्ट्री लैब दे विच स्टूडेंट्स पिपेट देखते हो, उहदे च तुसी 10 ml 20 ml लीक्विड नू सक करके फिल करते हो। माइक्रो पिपेट्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी च, माइक्रो लीटर्स मिली लीटर्स बहुत थोड़ी थोड़ी एकदम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सबसटैंसिज नू मैजर करने लिए, मिली लीटर्स नहीं माइक्रो लीटर्स, राइट। मिली लीटर तो फिर पिपेट्स नॉर्मल यूज़ कर लेंगे ना, माइक्रो पिपेट्स बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऑफ चीज़ जी असं पिक कर सकते हैं। सो इंजैक्शन की फॉर्म के असं प्लांट सैल या एनिमल सैल के इंजैक्ट कर दें, मेनली यूज़ की जाती ओसाइट्स एग्स के एम्ब्रियो दे विच कोई ना कोई जीन ऑफ इंटरस्ट एंटर कराने लिए, दैट इज़ माइक्रो इंजैक्शन। नैक्सट मैथड बेटा साढ़े को आ गया इलैक्ट्रोपोरेशन। इस मैथड के असी इलैक्ट्रिक करंट यू कैन से यूज़ कर सकते हैं। असी की करते हैं प्लाज्मा मैमब्रेन दे विच होल्स यू अंडरस्टैंड छेद कर दें, ठीक है, छेद कर दें प्लाज्मा मैमब्रेन बाय यूजिंग सम एंजाइम और कैमिकल, ठीक है जी। उस तो बाद क्या होंगे जो छेद हो गए ना बेटा, हूँ पोर्स जड़े ने यूज़ किए जाएंगे फॉरन डी एन ए अंदर एंटर करवाने लिए इन टू द होस्ट। नैक्सट आ गया साढ़े को बेटा कैमिकल मैथड। कैमिकल मैथड के विच की होंगे कुछ कैमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिमें पॉली इथलीन ग्लाइकोल पैग इन शॉर्ट बोलते हैं, हेल्प करती है फॉरन डी एन ए एंटर करवाने इन टू द होस्ट। दैन वी हैव वन अनदर मैथड बोलिस्टिक और जीन गन मैथड। बोलिस्टिक का मतलब होंगे बेटा असी किसी चीज़ नू जिवें सपोज मेरे को एक पार्टिकल है छोटा जहा, उहदे उत्ते मैं डी एन ए नू कोट करदा और उस पार्टिकल नू बहुत हाई स्पीड दे नाल बंबार्ड करावां इन टू द होस्ट दी वॉल दे नाल कह लो होस्ट दे सैल दे नाल, तो वो जिहड़ा पार्टिकल है वो गोल्ड पार्टिकल हो सकता, टंगस्टन पार्टिकल हो सकता, उस पार्टिकल दे उत्ते कोट किया जाता डी एन ए, इनू बहुत हाई स्पीड के उत्ते होस्ट न अट्टे बंबार्ड कराया जाता है, वो जड़ा ये गोल्ड के पार्टिकल्स ने हेल्प करते हैं टारगेट सैल दे विच बहुत ज़्यादा तेज स्पीड ते जाते हैं तो फॉरन डी एन ए नू उहदे च इनसर्ट करा देंदे ने, ठीक है। सो बेटा ये ने डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स कि किवें किवें ये चीज़ों नू यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जिहड़ा असी एक तो कर लिया माइक्रो इंजैक्शन वाला मैथड, एक असी कर लिया इलैक्ट्रोपोरेशन, ठीक है जी। ये मेनली मैं तुम्हें दसदा कि प्लाज्मा मैमब्रेन च होल किए जाते हैं, इलैक्ट्रो का मतलब होंगे इलैक्ट्रिसिटी बाय इलैक्ट्रिसिटी और इलैक्ट्रिक फील्ड, तो पोरेशन का मतलब पोर्स करना। सो इत्थे तुसी लिख सकते हो बाय यूजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड यूज करके असी इत्थे छेद करवाने हैं, होल करवाने हैं प्लाज्मा मैमब्रेन दे विच। सो जो होल हो जाते हैं दैन इट विल बी ईजी टू एंटर द फॉरन डी एन ए इन टू द, ठीक है जी। और उस तो बाद साढ़े को कुछ कैमिकल मैथड है, बोलिस्टिक मैथड ने। सो डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स यूज करके असी फॉरन जीन नू या फॉरन जीन ऑफ इंटरस्ट नू एंटर करवाते हैं इन टू द होस्ट, ठीक है जी। सो इत्थे असी स्टडी कर लिया कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब की है, एग्जैम्पल्स कितिया किन्हां असी एज अ होस्ट यूज़ कर सकते हैं, यूकैरियोट्स के केस च यीस्ट प्लांट एनिमल सैल, प्रोकैरियोट्स के केस च एस्कैरिशिया कोलाई। सो किवें वो जिहड़ा फॉरन डी एन ए एंटर करता है, चाहे वह रिकॉम्बिनेंट है चाहे सिंपल जीन ऑफ इंटरस्ट है,
ठीक है. सो ऑब्वियसली वो हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होएगी. किद्दां असीं उहनूं ट्रीट कीता असीं डिस्कस कर लिया कि किवें असीं इहनूं एंटर करावांगे, ठीक है. सो या फिर तुसीं एक होर मैथड में विच पढ़ाया सी डिसआर्म्ड पैथोजन वैक्टर, कोई ऐसा पैथोजन जिहदा वैक्टर यूज़ कर लो तुसीं टू इनसर्ट द फॉरन डीएनए, क्योंकि पैथोजन ने तो अटैक करना ही करना है. जिवें असीं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन की एग्जाम्पल ली है, तो यह सीगे रेस्ट जिहड़े से कुछ होर वैक्टरलैस मैथड, फोर मैथड्स असीं डिस्कस किए जिदे नाल असीं फॉरन जीन ऑफ इंटरस्ट एंटर करवा सकते हैं, ठीक है. सो इत्थे असीं अपना अज्ज दा लैक्चर एंड करते हैं. नैक्सट असीं कंप्लीट एक मैथडोलॉजी पढ़ांगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनएस किवें बनते हैं. फिर असीं उहदे च दो टैक्नीक्स भी डिटेल्स करांगे, वन इज़ जेल इलैक्ट्रोफोरेसिस एंड अनदर इज़ पीसीआर.